हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। सो भाई, लास्ट टाइम हमने बड़ी मुश्किल से यार $3,000 कमाए थे, एंड आज हमें उन्हीं $3,000 से एक कार खरीद दी है, उसको मॉडिफाई भी करना है, एंड अब उसे फटाफट से फिर बेचना भी है। तो यार फटाफट चलते हैं एंड यहाँ पे भाई बार्गेन करना शुरू करते हैं। एंड ये देखो भाई, ये वैसे गाड़ी मेरे को पता है भाई महंगी ही मिलेगी, क्योंकि इसको मैं लुक देख के डिसाइड कर लिया था मैंने ये महंगी होने वाली है। ओके, तो इसको देखते हैं। वैसे ये भी महंगी लग रही है, बट क्या पता ये मिल जाए हमें 3,000 के अंदर अंदर, बट नहीं मिलेगी, 18 में दे रहा भाई ये। तो यार पहले मुझे कोई सस्ती सी गाड़ी देखनी पड़ेगी, एंड मुझे मिल भी गई, तो फटाफट से सस्ती सी गाड़ी को चेक करते हैं एंड देखते हैं भाई ये क्या प्राइस बता रहा है। एंड भाई ये 3,000 कुछ बता रहा है। ओके, तो थोड़ा बार्गेन कर लेते हैं, क्या पता भाई सस्ती मिल जाए हमें। तो भाई पहले तो मैं इसको भाई 2,000 में लेने की कोशिश करता हूँ। अगर ये $2,000 में मान गया ना भाई, मज़े आ जाएंगे। अरे भाई मानते कहाँ हैं यार ये। ओके, तो भाई 2,500, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा भाई, वैसे देना ही पड़ेगा मेरे को यार, क्योंकि मेरे को हर हालत में ख़रीदनी है। एंड ये देखो भाई, ये मान के ही राजी नहीं भाई, एटीट्यूड देख रहे हो भाई, थोड़ा तो बार्गेन चलता है यार। ओके, तो भाई यार 700 कर सकता हूँ, चलो 600। अबे 600 में भाई, अरे अरे 700 ही करना चाहिए था यार मुझे, मैंने 600 गलत कर दिया। एंड अब मुझे यार इसी के प्राइस पे लेना पड़ेगा, शिट। पर चलो थोड़ी देर हम और देख लेते हैं, पहले अगर मैं लकी रहा तो मुझे और गाड़ी मिल जाएगी, बट मुझे यहाँ पे यार सारी महंगी गाड़ियाँ दिख रही है, एंड मुझे नहीं लगता यार मैं खरीद पाऊँगा। ओके, इससे पूछते हैं फिर भी। अरे यार ये तो बहुत ही महंगी दे रही है भाई, ये तो गाड़ी महंगी है यार, इतने तो अभी तक मैंने देखे भी नहीं अपने अकाउंट में। ओके, ये कितने दे रहा भाई, भाई प्लीज़ 3,000 में दे दे। अरे कहाँ देगा यार, ये भी महंगी गाड़ी है। तो यार मैक्सिमम यहाँ पे सारी कार्स यार एक्सपेंसिव है, तो भाई मुझे नहीं लगता भाई कोई भी मेरे को $3,000 में देने वाला है। तो भाई अब मुझे उसके प्राइस पे ही ख़रीदनी पड़ेगी, बट यार उसमें भी $100 कम है, तो अब मुझे फटाफट जाके यार $100 का जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो यार मैंने वो देखा था, एक हम लोन ले सकते हैं, तो फटाफट यार पहले ऑफिस जाता हूँ एंड वहाँ से लोन ले लेता हूँ भाई। पहले दिन अभी प्रॉफिट नहीं हुआ भाई, लोन लेना पड़ रहा, बताओ। ओके, तो फटाफट यार इनसे, एंड कितने का लूँ भाई, $1,000 का लोन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि यार वापस भी तो करना है। ओके, तो $1,000 का लोन लेते। अरे ये क्या आ रहा है भाई, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है यार, 5,000 तक का ही ले सकते हैं, अबे हट यार। सो इसके बाद यार मैं फटाफट से एक गाड़ी खरीदता हूँ एंड इसको भाई रिपेयर के लिए भी दे देता हूँ भाई। इस बंदे के पास नहीं दूंगा, लेफ्ट वाले के पास ही देता हूँ, साले ने पिछली बार गाड़ी चोरी कर ली थी यार मेरी। अब फटाफट से इसके पास देता हूँ। ओके, तो फाइनली अपनी गाड़ी रिपेयर हो रही है, एंड इस बार मैं कहीं नहीं जाऊँगा भाई, यहीं पर रहूँगा जब तक ठीक नहीं होती। एंड फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है रिपेयर, एंड अब इसको फटाफट से भाई सेल करने के लिए लगाते हैं। एंड अपनी यार पहली गाड़ी रेडी हो चुकी है, एंड ये देखो भाई लग गई इधर। एंड यार अपनी पहली गाड़ी है इस टाइम, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इधर। एंड ये भाई कचरा कौन फेंकता है यार इधर भाई, अब तो मैं बल्कि यहाँ पे साफ सफाई रखने लगा हूँ यार, फिर भी लोग कचरा इधर ही फेंकते हैं। ओके, तो शायद अब उसकी गाड़ियाँ खड़ी होगी तो शायद ना फेंके। तो फटाफट से यार इसको सेल करने के लिए लगाते हैं। एंड कितने की लगाऊं यार, मैं अभी से सोच पे पड़ गया हूँ, तो मेरे को 3 की पड़ी थी ना, एंड भाई 1,000 तो मेरे रिपेयर में भी गए, तो 6 नहीं 7 की लगाता हूँ ना, क्योंकि भाई लोग तो सस्ते पे आएंगे ही, तो पहले ही 7 बोलता हूँ, तो 6 या 5 तक की मैं बेच दूंगा इसको। ओके, तो 7 की मैं इसको सेल पर लगा देता हूँ। एंड फाइनली अपनी गाड़ी भी अब सेल करने के लिए लग चुकी है, एंड अब भाई बस वेट है मेरे को मेरे भाई कस्टमर्स का। तो भाई जब तक वो आते हैं, तब तक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई ये जो बचे हुए पैसे इनसे एक और गाड़ी खरीद लाता हूँ भाई, 2 गाड़ियाँ हो जाएगी। तो अब फटाफट से चलते हैं एंड इससे बंदे से बात करते हैं। एंड यहाँ पे भाई मेरे को सब महंगी बेच रहे थे, बट फाइनली मुझे वही सेम टू सेम गाड़ी मिलती है, एंड मैं इसको भी उठा लेता हूँ एंड इसको फटाफट से टो कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली अब वापस चलते हैं, देखते भाई अपने कस्टमर आए कि नहीं। सो गाइस, फाइनली मैं इधर पहुंच चुका हूँ, एंड भाई बहुत सारे कस्टमर तो नहीं है, तीन कस्टमर आ चुके हैं यार, बहुत सारे यही है। ओके, तो पूछते, और भाई ये नाराज़ क्यों हो गया, क्या हो गया भाई, अभी वो तो नाराज़ होके चला गया यार। ओके, तो इससे पूछते हैं फटाफट। एंड
ओ भाई ये तो सस्ती बोल रही है यार। नहीं, रुको तेरे से भी पूछ लेता हूँ मैं भाई। 3,000 की थोड़ी बेचूंगा यार, 3,000 की तो मैं खरीद के लाया हूँ खुद। नहीं भाई ये सभी इतना बोल रहे हैं भाई। रुको कोई बात नहीं, इनसे बार्गेन करते हैं। एटलीस्ट भाई 5 या 4, नहीं 4 भी कम है यार, 5 या 6 की तो बेचूंगा यार कम से कम, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके तो इसको फटाफट से मैं 5 बोल देता हूँ पहले भाई। 5 लास्ट है ये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके अबे भाई इसने बढ़ाया भी नहीं भाई, उतना ही बोल रही है अभी भी भाई। इसको 4 बोलूँ क्या? चल 4 लास्ट है भाई, 4, इससे ज़्यादा नहीं, फिर तो मैं भगा दूंगा इसको यहाँ से। अरे भाई रेडी नहीं है भाई बार्गेन करने को, चल निकल। नहीं, भाई बेचना ही नहीं है तेरे को, तू आ जा भाई। तू कितना प्राइस बोल रही है ये भाई? ये भी भाई 3,000 वाली है यार ये सब। चलो निकलो यहाँ से तुम भाई, तुम्हारे को दूंगा नहीं मैं गाड़ी। ओ अब भाई इसको गाड़ी गुड़ी को साफ भी कर सकते हैं। ओके तो फटाफट से मैं इस गाड़ी को साफ कर लेता हूँ। और भाई क्या ही धूल ही धूल है भाई। जब तक ये गाड़ी साफ होती है भाई, कोई ना कोई कस्टमर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। एंड ये देखो भाई कितनी धूल है यार गाड़ी में। शायद यार तभी मेरे को ज़्यादा प्राइस नहीं दे रहे थे। एंड ये देखो भाई, ये जब कस्टमर आते हैं भाई हर कुछ फेंक जाते हैं इधर ही भाई, डस्टबिन सामने। ओ अच्छा, कस्टमर आ गया। ओके हेलो हेलो मैडम, बताओ। अभी ये तो फिर से आ गई भाई, 3,000 की तो मैं नहीं देने वाला अगर ज़्यादा प्राइस। अरे फिर से यार ये 3,000 लेने आ गई भाई, 3,000 की मैं नहीं दूंगा यार। एक और बार बार्गेन करता हूँ भाई, अगर मानी तो ठीक भाई, 3,000 की कौन देगा यार? 5 मतलब मेरा खर्चा भी तो लगा यार इसको रिपेयर रिपेयर कराने में भाई। नहीं मान रहे यार ये लोग भाई, मान जाना, हट चल निकल यार। सो गाइस इसके बाद मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ यार अपनी गाड़ी ये सेल करने की, बट भाई कोई भी कस्टमर भाई मेरे प्राइस पे लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो भाई बहुत ही ज़्यादा थक गया था मैं। तो भाई मैं सोचता हूँ क्यों ना इस गाड़ी को यार पेंट पूंट करवाया जाए, शायद यार तब इसे कोई मतलब ले ले, तब उसे पसंद आ जाए कोई। तो मैं फटाफट इसको पेंट करवाने ले जाता हूँ एंड इसको भाई प्योर ब्लैक मेटालिक कर देंगे। बट भाई यहाँ भी अपना खर्चा हो ही जाता है, क्योंकि भाई 600-700 तो भाई इधर भी लगेंगे भाई बार बार इसमें खर्चा करने के। तो भाई फाइनली अब भाई ये देखो भाई कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी, बट रात भी हो चुकी है एंड अब अगली सुबह ही हमें पता लगेगा कि इसको कोई आता है भाई इसको खरीदने की नहीं। भाई आएंगे तो आएंगे, बट यार ज़्यादा पैसे की ले जाए, देखते हैं। ओके गाइस तो फाइनली सुबह हो चुकी है एंड भाई कस्टमर भी बहुत सारे आ चुके हैं एंड फटाफट इससे देखते हैं भाई। अरे हट यार तू आ जा भाई तू। एंड अबे ये भी 3 भाई, 3 में नहीं दूंगा यार, अब तो ज़्यादा खर्चा हो गया। अब तो कम से कम मेरे को 5 की बेचनी पड़ेगी। अब तो भाई इसको घिसते घिसते भाई हाथ में दर्द हो गए, बट कोई खरीद ही नहीं रहा है यार, अति हो चुकी है। लेकिन यार ये दूसरी गाड़ी, शुक्र है भाई मैंने इसको रिपेयर नहीं करवाया। एंड भाई ये दूसरी गाड़ी मैं इसको ऐसे ही बेच देता हूँ, कम से कम भाई कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो भाई $2,900 में ले जा, अगर ले जाता भाई। ओके ओ फाइनली यार अपनी पहली गाड़ी सेल हो गई है। एंड भाई ये वाली टेक्निक ज़्यादा अच्छी यार, मैंने इस गाड़ी में कुछ भी रिपेयर नहीं करवाया था एंड भाई मेरे को $2,500 की मिली थी वो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। एंड यहाँ देखो भाई इसकी तो भाई बिल्कुल लेके ही राजी नहीं है, इतना कलर कुलर करवा दिया इसको। एंड ये देखो ये भी नहीं ले रही है भाई। भाई निकल यार ना, इतने में तो नहीं दूंगा। रुको एक इसको ऑफर देता हूँ 4 में, अगर ये ले जाती है भाई। नहीं भाई बिल्कुल भी कम नहीं करते भाई ये बार्गेन करने के टाइम पे। भाई निकलो ना, तेरे को तो नहीं दूंगा, चल निकल। ओके भाई इनसे ट्राई करते हैं भाई। एंड मेरे को लग रहा है यार मेरे को ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी, शायद इसकी यार उतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो भाई तू ही आ जा, ये तो माना नहीं। देखता हूँ भाई कम से कम यार थोड़ा पास भी आया ना तब भी मैं बेच दूंगा, बट ये भाई तैयार ही नहीं है कोई भी। अब ये बोल तो रही है, इसने थोड़े ज़्यादा बताए हैं। तो एक बार ट्राई करता हूँ इसको भाई। नहीं 700 तो नहीं, पागल हूँ क्या यार? 900 तक भाई, ये लास्ट है। बस इसमें मेरे को नुकसान ही हो रहा है, बट
कम से कम ये गाड़ी जाएगी। ओके तो फाइनली ये गाड़ी भी निकल गई, बट ये भाई लॉस में ही गया है। कम से कम मेरे को भाई $1,000 का नुकसान हुआ है इसको बेच के। सो यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार एक और ट्राई मारा जाए, क्योंकि भाई मेरे पास है तो है पैसे, एक और गाड़ी लाता हूँ एंड इस बार मैं उसको कुछ रिपेयर नहीं करूँगा एंड सीधे बस बाय करके यहाँ पे ला दूंगा। एंड फाइनली मैंने वैसे ही किया एंड ये ट्रिक भाई काम आ गई, क्योंकि भाई देखो इस गाड़ी को आई थिंक मैंने 3,000 में वो किया था, लिया था, ठीक है। एंड भाई 3,400 का आराम से ये गाड़ी बिक भी गई भाई, कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को। एंड अब फाइनली यार चैन की नींद आएगी भाई, 3 गाड़ियाँ बेच दी आज एंड अब मैं थक भी गया हूँ। ओके भाई अब चुपचाप जाते हैं एंड घर जाके सो जाते हैं एंड नेक्स्ट टाइम देखता हूँ भाई मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ। सो बाय बाय।